अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर इजी एंड सुपर डिलीशियस चॉकलेट आइसक्रीम, जिसको बनाने के लिए मैंने हाफ कप चीनी ली है, 38 ग्राम चॉकलेट ली है, कोको पाउडर लिया है 3/4 कप, दो पैकेट मिल्क पैक क्रीम के लिए हैं और एक कप दूध लिया है। अब क्रीम के दोनों पैकेट्स को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका हमने 5 मिनट तक बीट करना है और पहले के 2 मिनट हम लोगों ने इसको लो स्पीड पर बीट करना है ताकि क्रीम फ्लफी हो जाए, और बाकी के जो 3 मिनट हैं हम लोगों ने इसको हाई स्पीड पर बीट करना है। दो मिनट हो चुके हैं, अब बाकी के 3 मिनट हम इसको हाई स्पीड पर बीट करेंगे। क्रीम देखें हमारी अच्छी तरह से बीट हो चुकी है, इस तरह हम सारी साइड से उतार लेंगे और अब हम इसको सेट होने के लिए साइड पर रख देंगे 15 मिनट के लिए। उतने देर तक हम लोग दूध और चीनी का गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। दूध को हम एक पैन में डाल लेंगे। जैसे ही बॉईल आएगा फौरन से हमने इसके अंदर चीनी डाल देनी है और चीनी डालते ही हमने आग कम कर देनी है। देखिए हमारा ये पेस्ट रेडी हो चुका है, हम इसे बाउल में डालेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। देखिए हमारा ये पेस्ट रेडी हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है रूम टेम्परेचर पर, अब हम इसे क्रीम में डाल लेंगे। क्रीम में डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे बहुत ही हल्के हाथ से। ये देखिए अच्छी तरह से क्रीम में फोल्ड हो चुका है ये। अब हम इसके अंदर कोको पाउडर डाल देंगे और कोको पाउडर को हम स्टेन करके डालेंगे, क्योंकि जब हम स्टेन करते हैं तो हमारा कोई भी पाउडर चीजें होती हैं, जब हम उनको स्टेन करके डालते हैं तब हमारी जो बैटर है हमारा बैटर बहुत स्मूथ बनता है और आपकी आइसक्रीम उतनी ही क्रीमी होगी। देखिये कोको पाउडर सारा डल चुका है, हम इसे बहुत हल्के हाथ से इसके अंदर फोल्ड कर लेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने कोको पाउडर जो है लाइट लिया था, इसलिए मैंने 3/4 कप यूज़ किया है। अगर आप कोको पाउडर डार्क लेते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से अब इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब हम चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे। आप चॉकलेट चिप्स अगर आपके पास हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास वो नहीं है, हमें लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं सके तो इसलिए हम लोगों ने चॉकलेट को इस तरह से काट लिया है। ये देखिए हमारी चॉकलेट्स कट चुके हैं इस तरह से। अब हम इसको बैटर में डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेंगे। अगर आपके पास कोई एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो आप किसी बाउल में डाल के ऊपर क्लिंग रैप। अब हम इसको टैप करेंगे डालने के बाद ताकि अच्छी तरह सारी एयर इसके अंदर से निकल जाए, और इसको कवर करके हम फ्रीजर में रख देंगे 1 दिन के लिए। एक दिन बाद मैंने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है और अब मैं इसको स्कूप आउट कर लेंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे हम। देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।